नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाने से आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो दर्शकों, आज का मेरा टॉपिक है कोविड 19 एंड रोल ऑफ विटामिन सी। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर विटामिन सी कितना खाना चाहिए और विटामिन सी का क्या रोल है कोविड 19 के दौरान। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड 19 आजकल बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है, तो विटामिन सी का क्या रोल होता है। कोविड 19 में एक्सटेंसिव लंग इंजरी हो जाती है जो कि देखा गया है, जिसके कारण देयर आर एक्सटेंसिव फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विच इज़ माउंटेड बाय डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम and it is causing harm to the body। विटामिन सी की हम बात करें, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है एंड रिड्यूस द डैमेज विच इज़ कॉज बाय द कोरोना वायरस। जो कि कोरोना वायरस को जो भी डैमेज करता है वो विटामिन सी उसको प्रिवेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग, जब हम किसी को विटामिन सी देते हैं या कोई भी प्रोफिलैक्टिकली विटामिन सी खा रहा होता है डाइट में या कैप्सूल के फॉर्म में या नींबू पानी के फॉर्म में या किसी सिट्रस फ्रूट्स के फॉर्म में, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस इम्प्रूव करता है। क्यों एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस इम्प्रूव करता है? एंड एज अ रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव कर जाता है। विटामिन सी हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, वो अपना इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन करेंगे। देर इज़ रेप्लीकेशन ऑफ वायरस एंड मैचुरेशन ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स को अफेक्ट करेंगे, मैचुरेशन ऑफ वायरस को अफेक्ट करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे। विटामिन सी protect the immune cells from the oxidative damage which is caused by the bacteria, which is caused by the viruses in case of COVID-19। and बहुत सी studies ने भी ये show किया है कि भाई it has a positive impact। हमें mild flu में भी जैसे हम देखा जाए कि इसका बहुत ही अच्छा result है। mild flu जो कि viruses cause करता है, बैक्टीरिया cause करते हैं, इसका बहुत ही बड़े result है। अब हमें विटामिन सी किसके फॉर्म में मिल सकता है? जैसे मैंने बताया कि आजकल टैबलेट्स अवेलेबल है, लिमसी के फॉर्म में ले सकते हैं, नींबू पानी के फॉर्म में ले सकते हैं या कोई भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स के फॉर्म में ले सकते हैं या डाइट के फॉर्म में ले सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग एडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग जंक फूड खाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि इम्यूनिटी कम हो, तो उनको भी डेली का विटामिन सी इंटेक लेना ज़रूरी है। विटामिन सी सिंस वाटर सॉल्युबल है और बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए इसका डेली का इंटेक लेना ज़रूरी है। 4 to 6 ग्राम, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड देयर इज़ नो साइड इफेक्ट व्हाटसो एवर। एंड यदि हम बात करें एल्डरली में, सिंस एल्डरली में भी इम्यूनिटी लो है, एल्डरली में कोविड 19 होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो हम एल्डरली में भी विटामिन सी की मात्रा दे सकते हैं और डेफिनेटली उनमें कोविड 19 इससे प्रिवेंशन हो सकती है। बहुत से पेशेंट्स कोविड 19 के इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया उनको विटामिन सी दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में डेफिनेटली एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करता हूं जिसमें विटामिन सी कंटेंट होता है, उससे काफ़ी हद तक पेशेंट्स को प्रोटेक्शन मिली है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं डेली का विटामिन सी खा रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 3 to 4 मंथ्स एंड काफ़ी हद तक मेरे को यूज़फुल भी रहता है। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपको फ्लू से प्रिवेंट करता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिस तरीके से आजकल हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, विटामिन सी का बहुत ही अहम रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल या कोई भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए इसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो वी शुड ऑल स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी फ्रॉम नाउ सो दैट हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रेंथन हो। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द माइल्ड फ्लू से प्रिवेंट करेगा ताकि वो थ्रेटनिंग फ्लू ना बने। बेसिकली द आइडिया इज़ टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस और द बैक्टीरिया। यही बेसिक मेरा मकसद है। तो आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी ऑन डेली बेसिस। नींबू पानी लें या टैबलेट लें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। थैंक यू दोस्तों।